आज सदर मोहतरम नसीब मिल्ला ताली जाना अलहाज बैरिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी का सदर सुनील मंजर पर मैं और हमारे कॉरपोरेटर जहाँ मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम के दूर मुतमदीन ने आज जो मूसी रिवर के अंदर मकाना आ रहे हैं, तीन दिन से ये अफवाह चल रही है कि यहाँ पर डिमोलिशन किया जाएगा, तो सदर साहब ने कहा कि आप जाकर वहाँ पर आवाम से मिलकर उनको तयफुन दीजिए। तो हमने पूरा एरिया किशनबाग, असद बाबा नगर, शरीफ नगर और पूरे इलाके का दौरा किया महमूद नगर का, और वहाँ की आवाम से मुलाकात की। उनको ये तयफुन दिया गया कि कोई अपने घरों से खाली नहीं करेगा जब तक कि हमारे को हमारा कंपोजिशन क्या दे रहे हैं गवर्नमेंट ऐलान करना चाहिए, कि उसके बाद ही जो भी फैसला लेना है। सदर मोहतरम का मीटिंग होगी, सीएम साहब से मुलाकात की जाएगी और हम गवर्नमेंट से एश्योरेंस लेने के बाद ही इस चीज को किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग रिवेन्यू डिपार्टमेंट के और कुछ आकर यहाँ पर उनको डराया धमकाया जा रहा पुलिस के जरिए कि दो दिन में आप खाली कर दीजिए, एक दिन में खाली कर दीजिए, हम मकान को डिमोलिशन कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने मकानात के अंदर सुकून से रहिए। दो या तीन दिन के अंदर सदर मोहतरम हैदराबाद तशरीफ लाने वाले, क्योंकि सदर साहब जो पार्लिमानी कमेटी जो वक्फ बिल के खिलाफ जो चल रही है पूरे स्टेट्स के अंदर जा रहे हैं, तो लिहाजा ये तीन चार दिन के अंदर सदर साहब आने के बाद हम तमाम हालात को सदर मोहतरम के सामने रखा जाएगा। सदर मोहतरम डिसीजन लेने के बाद, सीएम साहब से बातचीत होने के बाद जो भी आवाम का फैसला होगा उसको कबूल किया जाएगा, क्योंकि आप किसी को डराना या धमकाना, हम हुकूमत से भी यही मुतालिबा करते हैं कि आप सबसे पहले किसको क्या दे रहे हैं, तो फर्जून वालों को क्या दे रहे हैं, एफटीएल वालों को क्या दे रहे हैं, और नदी के अंदर जो है रिवर बेल्ट के अंदर आप क्या दे रहे हैं, उस चीज को आवाम के सामने लाना चाहिए। लेकर आने के बाद में जब आवाम मुतमईन होगी कि हाँ हमको ये दिया जा रहा है, आप पहले दीजिए, फिर उसके बाद मकान हम हैंड ओवर करेंगे। आप गैर जरूरी आगे किसी को डराने की जरूरत नहीं है। लिहाजा मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आवाम से, हल्का असम्बली बहादुरपुरे के आवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी है, और इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर कोई ऐसी आँच आती है तो सबसे पहले हम आपके दरमियान में रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके सेफ्टी करेंगे। शुक्रिया सर। यहाँ के आवाम का कहना ये है कि सैटरडे संडे कभी भी आगे तोड़ दे सकते हैं, उनके आवाम का कहना ये। अभी मैं एम आर ओ बहादुरपुरा और एम आर ओ राजेंद्र नगर से बात किया हूँ कि कोई ऐसा नहीं है साहब, हम कोई डिमोलिशन अभी नहीं करेंगे, अभी गवर्नमेंट लेवल के अंदर बातचीत चल रही है, तो उसको जो भी डिसीजन लेना है गवर्नमेंट लेवल लिया जाएगा। तो जब तक कि हमारे को